अस्सलामुअलैकुम मोहसिन खवातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाजिन, कल इमरान खान साहब का रावलपिंडी में जलसा के जो कि हकीकी आजादी मार्च के बाद ये उनकी फाइनल कॉल थी। रावलपिंडी में मरी रोड पर सिक्स रोड के ब्रिज पर ये उनका स्टेज लगाया गया था और बहुत बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और चांदनी चौक बल्कि उससे भी आगे तक आवाम मौजूद थी। पहुंचने के लिए यकीनन मुश्किलात का लोगों को सामना था क्योंकि जितने भी रस्ते थे वो रस्ते बंद कर दिए गए थे, कंटेनर्स लगा दिए गए थे। अगर कोई मकामी है तो उसको तो शायद किसी न किसी तरीके से पहुंचने का रास्ता मिल जाए, लेकिन जैसा कि काफले इस्लामाबाद पिंडी के बाहर से आ रहे थे बहुत से, तो लोगों को परेशानी का सामना भी हुआ, लेकिन फिर भी लोग पहुंचे। बहुत से लोग देर से पहुंचे लेकिन पहुंच गए। खान साहब की कल की तकरीर का सबको इंतजार था कि खान साहब आकर तकरीर में क्या ऐलान करेंगे, क्या सरप्राइज देंगे। इस जलसे में खान साहब, जितने भी अब तक उनके इवेंट्स हुए हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, जलसे हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा ताखीर से पहुंचे और उस वक्त कुछ मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस भी चल रही थी कि शायद पहुंचकर कोई कहीं पर कोई मुलाकात हो रही है, लेकिन बहरहाल जब वो पहुंचे और जिस तरह से वो आए उनके लिए चलने में मुश्किल हो रही थी और जो लोग वहां पर मौजूद थे मैंने खुद देखा कि हर आंख नम थी। लोगों को बड़ा अफसोस था, लोगों में जोश भी था, जज्बा भी था। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी मुझे वहां पर मिले, केपीके के लोगों से मुलाकात हुई, साउथ पंजाब के, हत्ता के सिंध के, इंटीरियर सिंध के लोग भी वहां पर थे। और आखिर में इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के ये ऐलान किया कि उनकी सियासत आइन और कानून के मुताबिक रही है और वो नहीं चाहते कि इंतशार हो। और वहां पर हवाला भी दिया इमरान खान साहब ने कि 25 मई को जो शेलिंग हुई उसके बाद अगर वहां पर धरने का ऐलान कर देते तो उससे इंतशार होता और हमारी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचता। और अब भी उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जाने का मैं सोच रहा था कि कह दूं, लेकिन फिर यह फैसला किया कि यह मुनासिब नहीं। तो इमरान खान साहब ने आखिर में यह कहा कि हम असेंबलियों से निकल रहे हैं। अब असेंबलियों से जब निकलने की बात कर रहे हैं तो सिंध में उनकी एमपीएस हैं, इसी तरह से पंजाब में उनके एमपीएस हैं, केपीके में उनकी गवर्नमेंट है, सिंध और केपीके में उनकी गवर्नमेंट है। आई बिलीव के गिलगित बल्तिस्तान और एजेके की वो बात नहीं कर रहे, बिकॉज जो प्राइमरी मकसद उनका नजर आता है वो यही है कि जनरल इलेक्शंस हों। अब क्या वाकई इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया है इस पर अमल दरामद होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा? गवर्नमेंट के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, पीडीएम के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? और अगर खान साहब ने निकलने की बात की है तो क्या असेंबलियां तहलील करने जा रहे हैं या उनके अपने एमपीएस इस्तीफा देंगे? अपने एमपीएस इस्तीफा देंगे तो जो फेडरल गवर्नमेंट में हुआ था वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी हो सकता है। बहरहाल इस पर आज के प्रोग्राम में हमारे एनालिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स अपनी राय देंगे। जो आईनी नुकात हैं उन पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी और तजियाकार शफीक आवान साहब ने। शफीक आवान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया सीनियर एनालिस्ट कमर चीमा साहब ने। चीमा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब ने। अजहर सिद्दीक साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शफीक आवान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इमरान खान साहब का ऐलान कि हम असेंबलियों से निकल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब इस पर अमल दरामद भी करेंगे या ये सिर्फ एक ऐलान है और कुछ नहीं? थैंक यू वेरी मच। ये असल में ये उन्होंने बड़ा अपना ट्रंप कार्ड खेला है। अब देखें, जब कौमी असम्बली से इस्तीफे उन्होंने दे दिए उसमें उनकी नहीं मानेंगी, और ज़ाहिर है उनका स्पीकर उनका था तो स्पीकर जो है जितना खेल सकते हैं, उनकी जो अपना फैसले हैं या उनकी जो रूलिंग है वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। इसलिए वो स्पीकर के बिहा पे वो खेले और खूब खेले और अभी तक खेल रहे हैं। अब जहाँ तक ये है कि सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे या सूबाई असम्बली तहलील कराना, उसमें के पी की हुकूमत, उसमें कोई शक नहीं कि वो असम्बली किसी वक्त डिजॉल्व हो सकती है। सिंध के एम पी ए भी इस्तीफा दे सकते हैं, आपके बलूचिस्तान के भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन पंजाब में थोड़ा ना कैच 22 सिचुएशन है। क्योंकि यहाँ पे अपना मुस्लिम नून भी एक अच्छी मेजॉरिटी में है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह ये असम्बली डिजॉल्व ना करें। उसके लिए गवर्नर रूल भी है, लेकिन गवर्नर रूल के लिए ना इसमें 233, 234, 235 ये आर्टिकल्स हैं, या 232, 233, 234, इसमें अजहर साहब बेहतर रोशनी डालेंगे। उसमें जो मैंने पढ़ा है वो तो गवर्नर रूल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो आज जो मीटिंग थी इनकी अपना माल टाउन में एक मीटिंग थी जिसमें इस पर गौर करना था, इनके बड़े मुस्लिम लीग नून के बैठने थे, लेकिन जो मेरी इतलात है नवाज शरीफ के कहने पर वो मीटिंग मुलतवी कर दी गई कि पहले हम आपस में इन द फैमिली कर लें डिस्कस, जो 3-4 बड़े लोग हैं, और फिर अपने उस पर जरदारी साहब से बात करें और
फिर देखें कि क्या फिर पूरा अपना एक उसमें जो क्रक निकलता है वो अपनी पार्टी के पास लेके जाएं। और जब पीडीएम की बड़ी मीटिंग हो, पीडीएम की मीटिंग भी शेड्यूल है कि वो जैसे ही अपना एक पलाया मल इख्तियार कर ले तो पीडीएम में अपना ये मुद्दा लेके जाएंगे। अब देखना है कि पीडीएम के लोग इसको कितना बाय करते हैं। आज डार साहब की मुलाकात भी हुई है इसी सिलसिले में आसिफ जरदारी साहब से भी, तो यहाँ पर कैच इंडी टू सिचुएशन है, बाकी तो क्लियर है। लेकिन देखें अगर अपना 100 कुछ अंक अपने 190 वो क्लेम कर रहे हैं, 197 उनके एमपीज हैं जी, अगर 100 भी रिजाइन कर देते हैं तो 100 का इलेक्शन ये और पूरा जो फवाद चौधरी ने फिगर दी कि 563 की फिगर जो दी उसमें अगर चले, अगर फर्ज करें तो कहते हैं जी पंजाब में 50% लोटे हो जाते हैं या वो अपना नहीं मानते बात अपनी पार्टी की, तो फिर 500 का इलेक्शन कहाँ कौन करेगा, ये कोई एमआई की सोच सकता है। और लेकिन आपको क्या लगता है ऑन द होल, क्या असेंबली तहलील करने की तरफ जा रहे हैं या इस्तीफों की तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है कि उससे पहले ही कुछ ना कुछ इनका आपस में तय पा जाएगा, ये पीडीएम के साथ, पीडीएम के साथ, पीडीएम हुकूमत के साथ तय पा जाएगा, क्योंकि 500 जबकि इलेक्शन में सिर्फ 8 मार रह गए जनरल इलेक्शन में, और 500 चले जैसे मैंने कहा ना कि 60 बंदे कर दें जो उन्हें वो टर्न कोट हो गए, तो फिर भी अगर 500 मेंबर हलकों पे इलेक्शन जो है वो भी सिर्फ 6 मार रह गए, कोई एमआई करेगा कि इसलिए हमें जनरल इलेक्शन में जाना पड़ेगा, जनरल इलेक्शन में जाना। ठीक, कमल चीमा साहब आपकी तरफ आते हैं, आपको क्या लगता है इमरान खान साहब असेंबलियों से इस्तीफे का ऐलान उनका उस पर अमल दरामद होगा या मुमकिन नहीं होगा, और बीच में चूंकि इख्तलाफात हैं या जैसे कि अभी शफीक अवान साहब कह रहे थे हो सकता है कुछ एमपीएस इस पे राजी ना हो कि वो इस्तीफे देंगे, क्या होगा? बहुत शुक्रिया जली मुमताज साहब। देखिए पहली बात तो ये, मुझे नहीं लगता कि ये असेंबलियां छोड़ेंगे। देखिए इस वक्त जितने ज्यादा फायदे ये इस वक्त पंजाब हुकूमत में और केपी हुकूमत में ले रहे हैं और सारी स्टेट मशीनरी का ये फायदा उठा रहे हैं, जबकि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी चैलेंज किया हुआ है, पीडीएफ की मरकज में हुकूमत है, तो ये अपने आप को और अपने लोगों को ये ऑपोजिशन में बैठ के हुकूमत छोड़ के मतलब जब, और इनका बयानियां भी बहुत ऊपर है, मतलब इमरान खान का बयानिया जो है वो अवाम में एक्सेप्टेबल है, वो पॉपुलर भी है, और वह हुकूमत से बाहर भी चले जाए तो कुछ समझ नहीं आती है। मेरा ख्याल है कि वो चीजें जो इमरान खान पिछले 2-4 माह से कह रहे थे मैं ऐलान करूंगा, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम ये करेंगे, वो डेडलाइन दी, वो मौके पे पहुंचे, वो लाहौर से चले, रास्ते में फिर जो हुआ, और फिर उसके बाद लाहौर से जब चले तो रास्ते में कोई बहुत इंप्रेसिव तादाद नहीं थी उनकी। हाँ कल रावलपिंडी में बहुत बड़ी तादाद थी, इसमें कोई शक नहीं है। सो अब इमरान खान ने कुछ तो देना था और तो उन्होंने ये दे दिया, और मेरा ख्याल है कि बड़ा लंबा टाइम था इस सारे प्रोसेस में, अगर इमरान खान ने ये फैसला करना था तो वजीर आला परवेज लाई को साथ बैठाते और कह देते कि यार हम तो ये इस्तीफे दे के आ गए, हमने तो फैसला कर लिया, तो लेकिन ये चीजें तो उन्होंने शेयर नहीं की, हम सोचेंगे, हम इत्तेहादियों के साथ प्लान करेंगे। और मजे की बात है इमरान खान साहब इतने अब वो सरकार की इनकी पार्टी आधी हो चुकी है कि पोठोहार जो टाउन है उसकी कुर्सी पे बैठ के इमरान खान साहब ने कल का खिताब किया, इसको भी लोग बड़ा तनकीद कह रहे हैं कि भाई इनको तो वो जिसे कहते हैं ना अब लत पड़ गई है कि सरकारी वसाइल की। हाँ इतने पॉपुलर होने के बावजूद अगर असेंबलियों से बाहर आते हैं तो ये लोगों को समझ नहीं आएगी, और जारी बात है इमरान खान जो पत्ते खेलना चाह रहे थे। लेकिन चिमी साहब आप किन लोगों की कह रहे हैं कि उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि कल जब खान साहब ने ऐलान किया तो वहां पर मैंने देखा कि तकरीबन सभी लोगों ने तालियां बजाकर उसको वेलकम किया उस फैसले को। सर जी देखिए मेरी बात सुने, ऐसे भी हुआ है कि नेशनल असेंबली में जब स्पीकर नेशनल असेंबली स्पीकर जो है वो इस्तीफे कबूल करने लगा था तो लोग हाईकोर्ट चले गए कि हमारे इस्तीफे कबूल ना हो। देखिए ये चीजें लगती बड़ी फैंसी हैं जब आप आते हैं अवाम के सामने, जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी फेडरल वो लॉजिस भी ऑक्यूपाइड है, तनख्वाहें भी मिल रही हैं, ये पावर से निकलना, और इमरान खान ने बड़ा मुश्किल से जो पंजाब में चीजें ली है और केपी में उन्होंने मेंटेन किया हुआ है ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे लोग इस 6-8 माह में। अगर ये चीजें टर्न अराउंड हो जाती हैं और पीडीएम अच्छी ऑफर देनी शुरू कर देती है इलेक्टेबल्स को और बहुत सारे लोगों को, तो इनके हाथ में क्या आएगा? पॉपुलर होकर असेंबलियां छोड़ना जो है ये बहुत बड़ी मेरा ख्याल है सियासी तौर पे एक नाकामी होगी, और मेरा नहीं ख्याल, और इधर इस्लामाबाद में बैठे हुए एफआईए नहीं कंट्रोल हो रही तो कल को तो और चीजें इनके खिलाफ बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। ठीक, अजय सदीक साहब आपकी तरफ आते हैं, सर कॉफी पिलाएं आपको? कॉफी की जरूरत बहुत है। कॉफी किस लिए जरूरत है कि ना वो एक इश्तहार आया करता था कोल्ड ड्रिंक का जी, और वो एंड में कहता था 1 फॉर द रोड, ठीक है ना जी,
यहाँ हालात यही है और ये कोई इतना पेचीदा मसला नहीं है, ये बात प्लानिंग की है और अच्छी प्लानिंग की है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को वहां से धरना वगैरह भी उठाना नहीं चाहिए था, वो उठाने की वजह सिक्योरिटी खदशात है और वो बड़े सीरियस हैं। आज भी इमरान खान साहब को, यानी इमरान खान के को वैसे आप एलिमिनेट करने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि उनको सियासत में से आउट कर दिया जाए। अब क्या होना है इमरान, और ये तो याद रखिएगा, मैं तो मार्च अप्रैल पिछले से कहता आ रहा हूं कि इलेक्शन मुझे अप्रैल में देखते हैं और ये इतनी आसानी से हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। वो अनिल कपूर की फिल्म है एक दिन का प्राइम मिनिस्टर, वो एक दिन का प्राइम मिनिस्टर मार नहीं है, यहाँ तो हुकूमत मिली है मुफ्त की, यानी और एवरेज पाकिस्तान के अंदर हमने देखा 2.5-3 साल के करीब एक एवरेज चली आ रही है, तो 1.5 साल तो ये ले लेंगे। उसके बाद फिर ऑप्शन एक मौजूद है आइन के आर्टिकल 234 से लेकर 236 में, असेंबलियों की मियाद 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। ये मैं लॉजिक में आपको साथ बताऊं, ये आइन का आर्टिकल 234 से 236 है 36 तक, हाँ ये यहाँ पर अवेलेबल है कि आप रेजोल्यूशन के जरिए इमरजेंसी हालात हो, ऐसे ऐसे हालात पैदा करके तादाद 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। ये ऑप्शन लेकर गया था शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तब्दीली तकरीबन उनका जीना जी जाना ठहर गया, आज गया या कल गया, शहबाज शरीफ इज गोइंग टू बी आउट ऑफ द पॉलिटिक्स, और वो उसकी मेन वजह ये है कि उनका ख्याल था कि अपने से उतार कर ये फेंकें, केयर टेकर सेटअप ले आए, केयर टेकर सेटअप आकर 3 महीने से ज्यादा ले जाए, नवाज शरीफ कह रहा था बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये करना। और उसकी वजह भी है कि आइन का आर्टिकल 224 या आप सारी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखें, आपने 3-5 साल बाद इलेक्शन कराने और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, लेकिन आपने ये और आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट में आपने देख लिया है कि वहां 5-5 साल गुजर गए और इलेक्शन आज तक नहीं हुआ, उसके बगैर सारा निजाम जो चल रहा है। तो यहाँ ये कदगन अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आइन का आर्टिकल 256 रास्ता देता है कि अगर कोई काम वक्त पे नहीं हुआ, ये वो प्लानिंग लेके गए थे, लेकिन नवाज शरीफ और उनके हवारी नहीं माने, उन्होंने कहा मुफ्त की हुकूमत मिली है, मुफ्त का माल है, जो मर्जी करते रहे। अच्छा अच्छा सदीक साहब, ये बताइएगा कि आप ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि असेंबलियों से इस्तीफे देने की तरफ जाएंगे या असेंबली तहलील करेंगे, और आईनी एतबार से अगर असेंबलियां तहलील करनी है तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, कितना टाइम चाहिए होगा, और फिर गवर्नर रूल भी अगर लगाना है तो उसके लिए क्या बुनियाद क्या होगी कि गवर्नर रूल लगाया जाए, क्योंकि पीडीएम भी इस दौरान हो सकता है कि जिस तरह 28 मार्च को तहरीके आदम एतमाद लेकर आई थी पंजाब में, वो काम डाल दें वो। अच्छा एक तो ध्यान में रखिएगा अपना ना, यानी जहां तक गवर्नर रूल है ना, और वो मुश्किल है, वो मुश्किल इस कॉन्टेक्स्ट में है कि प्रेसिडेंट बैठा हुआ है आसफ अपना आरिफ अलवी, अब आरिफ अलवी की मर्जी के बगैर या गवर्नर रूल बड़ा मुश्किल है, पहले रिपोर्ट देनी है, गवर्नर ने सेटिस्फाई होना है, फिर दो तरीके हैं, या नेशनल असेंबली में करारदाद के जरिए आपको लेके आना, तो वो तो मुझे नजर नहीं आता। यहाँ देखिए दो ऑप्शन है इमरान खान साहब के पास, एक तो ये है कि अब तो मेरा ख्याल है वो कॉल ऑफ कर लिया, अब दोबारा धरना लेके आप सड़कों में बैठ जाए, रास्ते बंद कर दें, इसके अलावा लेकिन आप कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गए, जो कोई मर्जी हो रहा है आपके पास है ही नहीं ऑप्शन कोई है, तरीकाकार और कोई नहीं है, आप कहेंगे अपना असेंबलियां डिजॉल्व कर दे, वो ना करें, आप मजबूर तो नहीं ना कर सकते, आप देखें कानून बड़ा क्लियर, आप मजबूर नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ जो रेमेडीज हैं वो रेमेडीज क्या है, नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो आपने सारे बंदे बाहर बुला लिए हैं, 8 सीटों पर इंतखाबात हो गए, मेजोरिटी आपकी रह नहीं गई है, तो नो कॉन्फिडेंस आ नहीं सकती, हाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ सकती है सदर पाकिस्तान कह सकते हैं, लेकिन वहां भी क्या है कि पीटीआई के जो 20 लोग हैं वो शहबाज शरीफ को वोट दे देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह क्या है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है ना इस वक्त वो हेड कर रहे हैं राजा रियाज वगैरह, जो जो पार्लियामेंट बैठे हैं, इमरान खान साहब की बात नहीं मानेंगे वो, ना पीडीआई की बात किसी से मानेंगे, चूंकि उनपे पाबंदी जो है ना उस चीज की, इसलिए उसके ऊपर अमल दरामद होगा, और वो इतना आसान काम ना मुझे दोबारा नजर नहीं आता। और कल अगर असेंबलियां भी डिजोल्व कर देने, एक और तरफ भी सोचना है, केयर टेकर सेटअप आना है, वो अपोजिशन लीडर की मुशावरत से आना है, अपोजिशन लीडर इनका है नहीं है, या तो कुछ लोग अंदर भेजे, यानी बैरो बाहर क्या है, बाहर आने के हक में कभी भी नहीं रहा, या तो आप भेज दें अंदर कोई तकरीबन 25-30 लोग अंदर भेज दें, वो जाकर टॉपल करें अपोजिशन लीडर को और नया अपोजिशन लीडर आ जाए। अब आखिरी तरफ आता हूं कि इमरान खान साहब ने जो कल कहा है कि वो क्या तरीका कह रहा है, देखे 569 सीट्स है इनके पास इस वक्त, और अगर ये सारे इस्तीफे दे दें और छोड़ दें तो तकरीबन कोई 870 के करीब अगर सीटें हैं, 65 के करीब अगर सीटें हैं टोटल, इतनी बड़ी तादाद जो आप बाहर निकल जाएगी 66-67% के करीब, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल है क्या इस्तीफे सारे देंगे, इस्तीफे मंजूर होंगे टाइम पे, नेशनल असेंबली का मामला आपने देख लिया, 2 सूबे ऐसे हैं जो ये गेम ओवर टर्न कर सकते हैं, वो है सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा, मेजोरिटी आपकी है, आप बड़े आराम से आपका वजीर आला ने एडवाइस करना है आइन के आर्टिकल 112 के तहत, दोनों वजीर आला ने,
और गवर्नर को 48 घंटे के अंदर असेंबली डिसॉल्व करनी है। अगर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और लेकिन ये इस्तीफे देने की क्या जरूरत पड़ेगी अज़ीज़ सिद्दीक साहब? क्या वैसे ही चीफ मिनिस्टर एडवाइस नहीं भेज सकता और असेंबलियों को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता? रेजिग्नेशन की तरफ जाने की क्या जरूरत है? अच्छा देखिए, मैंने जो कि अभी मेरी आज इमरान खान साहब से मुलाकात है, ये मैं तजवीज दे दिया उनको, मैं बड़ी वजाहत के साथ, और यानी इन दो असेंबलियों में तो इस्तीफा देने की जरूरत ही नहीं है भाई। आप अभी दें, अभी 5 मिनट के अंदर एडवाइस जाएगी और अगले 48 घंटे में सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा, और ये दोनों, यानी अब आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है, या तो सड़कों पर बैठकर, और सड़कों पर इमरान खान साहब की लाइफ को बहुत सीरियस थ्रेट है, वो एलिमिनेट करना चाहते हैं, जो कोई भी यहां पर है वो एक्सटर्नल फोर्सेज वो इमरान खान साहब को देखना नहीं चाहती है ना वो सियासत में पॉपुलर लीडर, ये नहीं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में काबिले कबूल नहीं है, और अगर इमरान खान साहब इस वक्त इलेक्शन पहले कराने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इनकी विन 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 नहीं कह रहा, इनकी विनिंग पोजीशन होगी। सवाल है कि वहां तक लेकर आए, तो ये वो छोटा सा सिनेरियो है। मैं तो आज भी तजवीज करता हूं कि, और इसलिए तो काउंटर करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मूव की कोशिश कर रहे हैं ना, जब नो कॉन्फिडेंस मूव आ जाए फिर आप असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कराएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। शफीक अमान साहब, अभी जैसा कि अज़ीज़ सिद्दीक साहब ने वक्फे पे जाते हुए कहा था कि अगर असेंबलीज नो कॉन्फिडेंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवा दिया जाता है अपोजिशन की तरफ से पंजाब में या उधर केपीके में भी, तो फिर असेंबलियों को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, जैसा कि इसी साल मार्च में हुआ था कि 28 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में जमा हो गया था, जिसके बाद फिर एक ही हल था और वो हल यह था कि जी बुज़दार साहब ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद फिर वो उस पर चले गए कि वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस देने की जरूरत नहीं है, फिर तो कायदे ऐवान के लिए इंतखाब होना है। तो आपको लगता है कि अपोजिशन पंजाब में खास तौर पे, केपीके में भी है लेकिन पंजाब में खास तौर पे, इस मूव से पहले जो खान साहब ने जिसका कल इशारा दिया, इस मूव से पहले वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस ले आएगी? बिल्कुल, दे आर ऑन इट, और देखें आज जो, लेकिन जो चीजें हैं तेजी से हालात जो हैं वो बदल रहे हैं और हर बंदा अपने कार्ड उसके सीने से लगा हुआ है, कैसे खेलना है। आपका आज ये खबर थी कि शहबाज चीफ साहब ने तमाम पार्लियामानी जो उनके बिग बिग जन को बुलाया था उससे उनसे मीटिंग करनी थी, ये पंजाब के भी और फेडरल के भी, कि अदम एतमाद फाइल करना है। वो वहां पर जो हमारे जराए उन्होंने कहा कि पहले हम अदम एतमाद की तहरीक हम तैयार करके ले गए थे कि ये हमने फाइल कर दी ताकि वो असेंबली डिसॉल्व ना कर सके, लेकिन फिर पता नहीं ये मीटिंग क्यों पोस्टपोन हो गई। जैसे मैंने पहले कहा कि नवाज शरीफ साहब से उनके उनकी बात होनी और फिर जो वो अपना जरदारी साहब हैं, असल ये डिपेंड, क्योंकि ये भी तो चल रहा है ना कि जरदारी साहब को भी पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है कि जरदारी साहब को ये टास्क दिया गया है कि आपने वहां पे पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट को टॉपल करना है, और कोई 10 अरब की भी बात हो रही थी। 10 नहीं 20 अरब की बातें हो रही। फिर आप देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देखें आपकी सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह जो है शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को आउट करके और वाला बनाया, तो ये भी जहन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट अब किसी इस किस्म की जो हॉर्स ट्रेडिंग की कोई मूव या इस तरह की चीज, लेकिन अगर पीएमएल क्यू ही अगर दूसरी तरफ फ्लिप कर जाए। देखिए आज प्रेजलाई ने जब थोड़ी देर पहले हमारे प्रोग्राम से पहले बयान दिया है कि वो इमरान खान के कहने पर 1 सेकंड नहीं लगाएंगे और असेंबली तोड़ देंगे। अब देखें, अब हमने ग्राउंड रियलिटीज देखनी, ग्राउंड रियलिटीज इफ एंड बट्स की बातें कर सकते हैं कि परवेज लाई उधर शामिल हो जाए, ये कर लें वो कर लें, लेकिन परवेज लाई और शरीफ फैमिली को मैं तब से जानता हूँ जब भी जियाउल हक काबीना के अंदर थे, मैं उनको कवर करता आ रहा हूँ, और परवेज लाई किसी भी सूरत जो है नवाज शरीफ को काबिल कबूल नहीं है, और वो अगर ये उनसे हाथ मिलाते हैं तो फिर आगे देखें आप, परवेज लाई ने, शुजात ने अपनी सारी सियासत कर ली, अब इनके बच्चों की सियासत है, अब इनके बच्चों का मुस्तकबिल है, तो मोनस अगर आज इनसे हाथ मनवा भी लेते हैं तो इनसे मुस्लिम लीग नून की कदर से वो 6 बार डसे जा चुके हैं, और उन्हें पता है कि अगर वो अपना परवेज लाई को खातर में नहीं लाते, चौधरी शुजात को खातर में नहीं लाते, तो हमजा इनका जो बरखुदार है अपना मोनिस, वो क्या बेचता है? तो उन्होंने बेटे का अपना मुस्तकबिल देखा है, बेटे ने अपना मुस्तकबिल देखा है, उनको अपनी मुस्तकबिल की सियासत जो है वो पीटीआई सूट करती है, क्योंकि पीटीआई एक पॉपुलर पार्टी है, और ये पिछले 2 इलेक्शन में साबित हुआ, और अब तक जो इमरान खान का बयान है वही प्रिवेल कर रहा है। इसलिए मैं इसको नहीं समझता कि प्रिवेलाई इतनी बड़ी हिमाकत करेंगे, प्रिवेलाई से लेकिन भी है। लेकिन अगर जिस दिन वोटिंग होनी हो या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का दिन हो, उस दिन अपने ही कुछ एमपीएस गैर हाजिर हो, तो उस सूरत में क्या होगा? देखिए वोट ऑफ, देखिए उसमें एतमाद का वोट कहेगा अपना गवर्नर कहेगा, गवर्नर, लेकिन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी अगर हो जाए तो, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए तो देखे ना आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखे ना क्या है,
सुप्रीम कोर्ट ने जो जिन्होंने वोट दिया था हमजा को, उनको उन्होंने अपना डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो कौन एमपी ये चाहेगा, कौन सांसदान चाहेगा कि इलेक्शन में आठवां रह गए और वो अपना ऐसा रिस्क ले अपना कि दूसरी पार्टी को वोट देके अपने आप को नाहल करा ले। तो मेरा नहीं ख्याल को, देखो सांसदान जो है वो असम्बलियों और इकतदार के बगैर नहीं रह सकता। वो उसकी अतल मकदूर कोशिश होती है कि वो असम्बलियों में जाए चाहे हुकूमत में ना जाए, पावर पॉलिटिक्स, और इसलिए पावर पॉलिटिक्स है। अब इसमें अगर ये इस तरफ आते हैं तो मैं इसको बिल्कुल 0% कहता हूँ कि परवेज लाइक उधर शामिल हो जाए। हाँ टग ऑफ वार है, अगर जा रहे वो भी कोशिश करेंगे कि जो बात फाइल कर दें ताकि परवेज लाई वो अपना असम्बली ने रिजॉल्व कर सके। लेकिन कब तक? अल्टीमेटली जो जो अक्सरियत है, जो लेजिटिमेट अक्सरियत है, वो उसके पास है, ठीक, पीटीआई के पास है। और अगर वो मजीद भी कुछ लोग उस तरफ जाते हैं तो उन्हें खतरा है कि वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। मेरा ख्याल है जो इस वक्त ना जो परवेज लाई और पीटीआई वो बेहतर उसमें मोड में है, वो बेहतर फैसला कर सकते हैं, बेहतर फैसला कर सकते हैं। चीमा साहब, आपकी नजर में कोई पीटीआई के पास और ऑप्शन है? क्योंकि अभी तो यही अपेरेंटली नजर आ रहा है कि चूंकि कोई और ऑप्शन नहीं है और एहतजाज उन्होंने जितना कर लिया वो काफी एहतजाज उन्होंने किया, जलसे भी किए, फिर ये मार्च भी कर लिया, सब कुछ हो गया, तो पीटीआई के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है अपनी बात मनवाने के लिए कि असेंबलियों को, अगर वो पंजाब असेंबली को, केपीके असेंबली को डिसॉल्व कर देते हैं, बलूचिस्तान और सिंध से वो इस्तीफे दे देते हैं, तो फिर जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा? देखिए अली साहब, बात ये है कि पीटीआई जारी बात है इमरान खान है, और इमरान खान जब एक दफा फैसला कर लेते हैं तो वो फिर किसी की भी नहीं सुनते। अब भले ये ऑप्शन प्रैक्टिकल हो ही ना हो, इमरान खान का काम है एजिटेशन करना। देखिए इमरान खान का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इमरान खान मोमेंटम नहीं लूज करना चाहते, वो लोगों को एक ऐसी चीज दे जाते हैं जिससे अगले महीना, दो महीने, तीन महीने लोग उसी में उलझे रहे। ये वो सियासतदान, उनका ये काम है और वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन है, मैं अली मुमताज साहब, कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। ये देखे ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे एक बात थी कि जी शायद वो चाहते थे मेरी मर्जी का जनरल आए, मेरी मर्जी की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट हो, ये हो, वो हो। सदरे पाकिस्तान डिस्कस करने जा रहे हैं उनसे वन डे, जनाब 2 घंटे की फ्लाइट लेके, और वहां पे क्या डिस्कस कर रहे हैं, अपना ही मुस्तकबिल डिस्कस कर रहे थे कि हमें क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और इस तरह की चीजें। वो सिर्फ अपनी आवाम को, अपने वोटर सपोर्टर, अपनी पार्टी को बताना चाहते हैं कि वो रेलिवेंट है। वो इररेलीवेंट होके कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और वो और दूसरी बात यह है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर उनको वो असेंबलियों से बाहर भी चले जाएंगे तो क्या मिलेगा उनको, क्या? अच्छा ये बताएं, आपकी नजर में असेंबलियों से अगर असेंबलियां तहलील कर देते हैं तो जनरल इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, क्या बातें करते हैं आप 500 लोग जब डिस्क अपना असेंबलियां बाहर आ जाएंगे तो जनरल इलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा? कौन इस मुल्क की इकोनॉमी देखें आप, इस मुल्क की इकोनॉमी देखें आप, इकोनॉमी कितना बुरा हाल है। यानी 8 माह बाद अब दोबारा जनरल इलेक्शन कराएंगे? ये मेरे ख्याल ये फिजिबल नहीं है। कोई भी जो है, मैं चाह रहा था अजहर सदीक साहब से, मैं आपकी तरफ आता हूँ चीमा साहब। अजहर सदीक साहब, अगर जैसा कि चीमा साहब कह रहे हैं कि जी आप असेंबलियों से, आप असेंबलियों से इस्तीफे भी दे दें, बलूचिस्तान से और उधर सिंध से और यहां केपीके और पंजाब को आप डिसॉल्व भी कर दें, तो भी जनरल इलेक्शंस नहीं होंगे, और क्या कानूनी एतबार से ये मुमकिन है? और अगर है तो केपीके असेंबली के लिए जब इलेक्शंस दोबारा से होंगे या पंजाब की असेंबली के लिए दोबारा से इलेक्शंस होंगे तो उस हुकूमत की क्या स्टैंडिंग होगी उस वक्त के जब जनरल इलेक्शंस, यानी कि जनरल इलेक्शंस कह दें या कौमी असेंबली के इंतखाबात हो रहे होंगे या और सिंध के हो रहे होंगे? अच्छा मैं कानूनी बात भी करूंगा और सियासी बात भी। सियासी बात तो मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब के लिए ये विनिंग पोजीशन इस तरह होगी कि सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अगर फर्ज करें ये जनरल इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, ये तो मौत होगी पीडीएम के लिए। क्यों मौत होगी? कि अगला 5 साल जो है सूबाई असेंबलियां आपके पास आ जाएंगी, दो बड़े सूबों की, ठीक, यानी कि वो पूरे 5 साल के लिए होंगे, वो पूरे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, यस। और क्या होगा, नेशनल असेंबली बाद में डिसॉल्व करते हैं आप तो ये दो सूबों में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वजह है कि यानी यहाँ तो केयर टेकर सेटअप कोई नहीं होगा ना। आप देखे ना, मैं आपके सामने अभी तो मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा और ये इनके लिए बड़ी विनिंग पोजीशन, आइडियल पोजीशन होगी। तो इसलिए मेरा ज्यादा ख्याल है, मैं अभी तजवीज इमरान खान साहब को यही दूंगा कि भैया आप असेंबलियां डिसॉल्व करें अपनी दोनों की दोनों, कल जो कुछ मर्जी हो, जिस तरह मर्जी हो, और आप सियासी तौर पर खेलें और इसी तरह अपोजिशन लीडर की सीट भी छीन लें नेशनल असेंबली के अंदर। अब आएगी अगली बात
कि इन हालात में क्या मुल्क में स्टेबिलिटी हो सकेगी, बिल्कुल नहीं हो सकेगी। और अल्टीमेटली आपको वजह यह है कि जब 567 नशिस्तों पर जब इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, यानी दो असेंबलियां डिजॉल्व होगी बाकी में चले गए, तो 567 सीटों पर आपको जिमनी इलेक्शन जाना है। तो मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इस वक्त 50% से ज्यादा सीटें जो है ना वो खाली पड़ी है, जिमनी की बजाय जनरल इलेक्शन इज दी ओनली ऑप्शन, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन सवाल है कि 50% के करीब जो सीटें, फिर दो सूबे अपनी जगह 40 है, क्योंकि आप पाबंद नहीं कर सकते सूबों को आईनी तौर पर कानूनी तौर पर, दो सूबे नहीं इलेक्शन कराना चाहते तो आप पाबंद नहीं है, वो सूबाई असेंबलियों की बात होगी। सूबाई असेंबली अलग टाइम के लिए आ सकती है, नेशनल असेंबली के लिए आपको टाइम एक ही रखना होगा। तो यानी दोनों में फर्क डालना है आपको, ठीक कि दो सूबों के अंदर इलेक्शन बाद में हो सकते हैं, कौमी असेंबली के जो इलेक्शन है ना वो तो एट ए टाइम सारे सूबों में एक ही वक्त में होंगे, तो उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो नेशनल असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में है, तो सूबों और उनमें हो सकती है। और ये मेरा जहां तक ख्याल है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, क्या आपके लिए हालात इससे फिजिबल नहीं है, इन हालात में उनकी कोशिश ये है कि ये गवर्नमेंट जो है ना उनके पास रहे और किसी ना किसी अगर टॉपल कर सके, नो कॉन्फिडेंस मूव ला सके, वो सारी इजाजत है। लेकिन ये ऐसी पोजिशन होगी कि जिसके बाद इनके लिए जगह नहीं रहेगी, दो सूबों में सीट आने का मतलब है कि नेशनल असेंबली की सीटें भी अगर उठाकर देखें सिर्फ रह जाएगा फिर अपना बलोचिस्तान और सिंध, जरा सीटें हम निकाल के देख लीजिएगा कितनी सीटें रह जाएगी 372 में से, एग्जैक्ट मेरे पास तादाद सामने नहीं, वरना मैं आपको तादाद भी सामने बता देता कि यानी सिर्फ उन सीटों की हद तक मसाइल रहेंगे। और ये पीपल्स पार्टी सॉरी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है, और ये ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल है वो मिस करेंगे, और ना उन्हें मिस करनी चाहिए। और इस आइडियल सिचुएशन को सामने रखते हुए, और इसलिए परेशानी है, देखिए मेरी अगर अगर वहां बात हुई तो शहबाज शरीफ जो बात कर रहा था, शहबाज शरीफ क्या चाह रहा था, शहबाज शरीफ यही तो प्लानिंग कर रहा था कि ये अभी इकोनॉमी सेटल नहीं हो सकती, डॉलर नीचे आ नहीं सकता, जिस दिन आपने एलसीए खोल दी इस मुल्क की सारी एलसीए बंद पड़ी है, सोयाबीन यानी बोर्ड पे आया पड़ा, जिस दिन आपने खोल दी डॉलर चला जाएगा 350 पे, 300 350 पे, और ये सत्यानाश हो जाता है इस मुल्क की इकॉनमी का जितना नुकसान। और फिर वजह क्या है, पेट्रोलियम की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में सस्ती हैं लेकिन यहाँ ये सस्ती कर नहीं सके, फिर महंगाई इनके बस में बात नहीं है, तो वो तो मौत है। इसीलिए वो क्या चाहते हैं, पीडीएम क्या चाहती है, पीडीएम यही चाहती है टाइम गुजरे, हुकूमत इनकी रहे, एक साल बाद में असेंबलियां बढ़ाने भी पड़े, बढ़ाकर आप ले जाए, लेकिन अगर सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन हो गए तो नेशनल असेंबली की मुद्दत बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वो कार्ड है, अगर कार्ड अगर इमरान खान साहब ने और इन्होंने खेल दिया, मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने कोशिश की है, जरा मैं निकाल दूं वो तादाद मेरे सामने है ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ये मैंने तादाद निकाल ली है, यस ये जी ये मैंने तादाद सारी निकाल ली है। अब इस तादाद में आपके सामने रख देता हूं कि जो एग्जैक्ट तादाद है सूबों के कॉन्टेक्स में कि किस सूबे में कितनी सीटें हैं और सूबे ने कैसे लेकर चलना है। जी देखिये जी इस वक्त जो जो है ना जी 342 में से पीएमएलएन की 85 है, पीपी की 58 है, एमएमए की 14 है, एमके की 7 है, बीएनपी की 4 है, और ये तकरीबन 150 के करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 141 है, अगर 20 लोग नहीं भी इस्तीफा देते वो छोड़ दे, पीएमएलएन क्यू की 3 है, जीडीए की 3 है, और बाकी इन सबको तादाद है, तो बहुत मेजर तादाद हो जाएगी जिसमें बैठकर और वो उन सीटों पे इलेक्शन हो जाएंगे। यानी तकरीबन आप अंदाजा लगा लें कि यानी पंजाब की अगर ऐड करके देखें, वो पंजाब की पोजीशन मेरे सामने इस वक्त नहीं है, वरना मैं आपको बता देता कि सीटें जो है ना टोटल वो पंजाब पे अगर सारे यानी पंजाब के अंदर सूबे के अंदर एमएनए की जितनी सीटें हैं वो अगर होंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उनके लिए यही मुसीबत है, उनके लिए वो क्या करना चाहें अब डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब और उनके इत्तेहादी जो है तो फैसला क्या करते क्या फैसला करते हैं। मैं एक ब्रेक लेना चाह रहा था अज़र सिद्दीक साहब, वी गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक जी, ब्रेक के बाद वापस स्लॉट कराएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। चीमा साहब आप पहले जो बात कर रहे थे आप मुकम्मल भी कर लीजिए, लेकिन जो अभी अज़हर सिद्दीक साहब ने एक तो फिगर्स भी बताए हैं और उन फिगर से हटकर ये फैक्टर कि केपीके और पंजाब की अगर असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया जाता है और वहां पर दोबारा इलेक्शंस होने के बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो 5 साल के लिए होगी, और ये जानते हुए फेडरल में कि भले वो 1 साल के लिए गवर्नमेंट को एक्सटेंड भी कर लें तो उनको ये पता हो कि हमने जब दोबारा इलेक्शंस में जाना है कौमी असेंबली के तो पंजाब और केपीके में गवर्नमेंट लेट सपोज के पीटीआई की होगी। तो ये तो जैसे कि अभी अज़हर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि उनके लिए तो ये बड़ी
मुश्किल सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, और उस एतबार से तो खान साहब ने फिर बड़ा जबरदस्त शॉट खेला। अच्छा मैं सर एक बार बता दूं, अली मुमताज आसानी हो जाएगी समझने के लिए, मैं सीटों की पोजीशन बता दूंगा, बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए पंजाब की है 148 और वुमेन की हो जाएंगी 135, तो 183 सीटों पे आपको 183 सीटें पंजाब के अंदर हैं। और इसी तरह अगर कहा जाए खैबर पख्तूनख्वा में 43 है, सिंध के अंदर 75 सीटें हैं, तो ये जरा सोचना पड़ेगा। लेकिन ये पंजाब और केपीके को अगर डिसॉल्व करते हैं तो फिर तो पूरे इलेक्शन सारी सीटों पर हो रहे होंगे ना फिर तो। ये अगर देखा जाए नहीं, ये सुबह ही सेवनियों के अलावा मैं उसके अंदर बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर सीटें जो इतनी होगी बड़ा मुझे नहीं, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है जरा थोड़ा सा पीटीआई को भी इस पर क्लैरिटी चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने भी जो ट्वीट की थी ना वो भी इस्तीफों की रोशनी में की थी कि जी अगर पंजाब में हमारी इतनी सीटें हैं, केपीके में इतनी हैं, बलोचिस्तान में इतनी, सिंध में इतनी, विफाक में इतनी, तो उस हिसाब से जिमनी इंतखाबात इतनी सीट्स पर हो रही होंगे। लेकिन अगर केपीके और पंजाब की असेंबली डिजॉल्व कर देते फिर तो तादाद और भी ज्यादा बढ़ जाती है ना, बिकॉज फिर तो वो पूरी असेंबली के इलेक्शन हो रहे होंगे। जी चीमा साहब जी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे वापस मौका दिया बात करने का। देखिए बात यह है कि अगर 20% अराकीन रिक्वायरमेंट जमा करा देते हैं पंजाब असेंबली में, जो कि कल राणा सनाउल्ला भी बात कर रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल पंजाब असेंबली जो है वो तोड़ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में इतने शायद जो अपोजिशन ना हो, लेकिन पंजाब असेंबली में तो बड़ा नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, तो ये कौन सी बात हुई? कैसी रिक्वायरमेंट चीमा साहब, कैसी रिक्वायरमेंट? देखें अगर वो जमा करा दें, राणा सनाउल्ला ने कल ये कहा कि वो अगर जमा करा दें रिक्वायरमेंट कि भाई इतने लोग मौजूद हैं कि असेंबली ना तोड़ी जाए, ये जरूरी नहीं है कि अगर मेजोरिटी बड़ी थिन मेजोरिटी जो है वो असेंबली तोड़ लेती है। और अगर ये नहीं, लेकिन ये मामला खैर अभी मैं अजहर सदीक साहब से पूछता हूँ, ये मामला थिन मेजोरिटी का होना या होने ना होने से तो कनेक्टेड नहीं है, ये तो जिसकी गवर्नमेंट है उसका ये प्रेरोगेटिव है कि वो गवर्नमेंट असेंबली रखे या डिसॉल्व कर दे। चीफ मिनिस्टर अच्छा नहीं नहीं, मैं जरा क्लियर कर देता हूँ जो चीमा साहब बताना चाहते हैं। आर्टिकल 95 को अगर देखा जाए, जो टोटल मेंबरशिप है उसकी 20% लोग तहरीके अदम एतमाद अगर ले आते हैं, जब तहरीके आर्टिकल 112 अगर पढ़ लें तो तहरीके अदम एतमाद जब असेंबली में आ जाए, टेबल हो जाए तो फिर आप असेंबलियां डिसॉल्व भी करते हैं, वो दो दिन चार दिन जिस तरह भी या शौक पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त किसी भी लम्हे, अभी तो तरीके तो मैं आई नहीं है ना, और असेंबली में टेबल भी हो रही है। आपको मैं कौमी असेंबली के हवाले से बता दूं, 8 मार्च को इन्होंने तहरीके अतमाद दी और आपको पता है कि वो 28 मार्च को टेबल हुई थी, यानी वो जमा करा दिए 68 में, सूबाई नेशनल असेंबली की इजलास शुरू हुआ और इस वक्त जो नेशनल सूबाई असेंबलियों का इजलास चल रहा है, तो तहरीके आदम एतमाद जमा करा लिया आपने, यानी फौरन लिया, आप ये भी कर सकते हैं। अच्छा, ये कानूनी एतबार से जब इजलास चल रहा हो तो ड्यूरिंग द सेशन, जब तक वो सेशन खत्म नहीं होता आप तहरीके आदम एतमाद जमा नहीं करा सकते? बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा एक और चीज बड़ी मददगार है, मैंने आपको याद होगा अली मुमताज साहब 27 मार्च को मैंने एक ट्वीट किया था, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, 6:42 मैंने कहा था इमरान खान छक्का मारने के लिए तैयार, तरीके मतलब असेंबली में पेश नहीं हुई तो असेंबलियां तहलील हो सकती है 27 मार्च को। फिर मैंने आगे लिखा था कि वगरना तरीके अदम एतमाद में सुकम है, स्पीकर रूलिंग से जरिए मुस्तरद कर दे और असेंबलियां तहलील। तो इस वक्त भी किसी भी लम्हे सूबाई असेंबली की वजीरा ना उसके लिए असेंबली में दौड़ा जा रहा है, वो तो घर बैठा हुआ अभी बैठ के एडवाइस जारी करेगा गवर्नर को, और गवर्नर 48 घंटे के अंदर पाबंद है, अगर ना भी करे तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। चीमा साहब से दोबारा हमारा रब्ता हो गया, चीमा साहब बात प्लीज मुकम्मल कीजिएगा। जी बहुत मेहरबानी अली भाई, आपका शो तो ऐसे है जैसे इंडियन मीडिया का शो है, बात ही नहीं मुकम्मल करने दी जाती। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, मुझे मेरी जो हंच है, मैं वकील नहीं हूं जिस तरह सर बात कर रहे थे, मैं सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर ये इस्तीफे दे भी देंगे तो जिस तरह पीडीएम एंड एस्टैब्लिशमेंट और बाकी जो सारे चीजें लोग समझ रहे हैं, ये ऐसे नहीं होने वाला जो इमरान खान चाह रहे हैं। दूसरा जिस तरह राणा सनाउल्ला बात कर रहे थे कि हम कोई रिक्वायरमेंट जमा करा देते हैं कि 20% अराकीन अगर असेंबली में कह दें और तो असेंबलियां नहीं तोड़ी जा सकती, और राणा सनाउल्ला ने कहा कि हम वो करवा रहे हैं, मेरा ख्याल है कल उन्होंने शाजीब खान ज्यादा के शो में कहा। सो क्वेश्चन सिंपल सा है, इमरान खान अपने सारे पत्ते जो है वो जाया कर बैठे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनकी मर्जी का एस्टैब्लिशमेंट में लोग हैं, अवाम में वो पॉपुलर बिल्कुल हैं,
मीडिया उनका बहुत हद तक सपोर्ट भी कर रहा है, उनके खिलाफ भी है, सोशल मीडिया सारा उनके साथ है। सो असेंबलियों से जाना मेरा ख्याल है उनके लिए एक इंतहाई सियासी खुदकुशी होगी। अगर वो इसको करने को तैयार है तो उनको कोई नहीं रोक सकता, उन्होंने पहले भी ऐसी बहुत सारी की। ठीक है, सियासी खुदकुशी होगी शफीक का? नहीं सर, मेरे ख्याल है ये चीमा साहब 90 की दहाई में रह रहे हैं। ये जो आपके अदमे दिमाग की तहरीक है, ये कोई बाहर तो नहीं है ना, ये तो स्क्रीन तो नहीं लग जाएगी, आपको बुलेट नहीं लग सकती, आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट तो नहीं है, इसने फाइल होना या कामयाब होना है। दोनों सूरतों में इसकी लाइफ जो है वो बहुत कम होगी। ये स्पीकर असेंबली पर डिपेंड करता है, वो कब उसको लेके आता है कब, और जो इस वक्त मेजोरिटी है चाहे 6 वोट की 10 वोट की 12 वोट की वो पीटीआई और काफली के पास है। और मैं पहले कह चुका हूं कौन बेवकूफ होगा कि जब 8वां इलेक्शन को रह गए और वो ये करे कि मैं अपने चंद पैसों के लिए या किसी फेवर के लिए दूसरी पार्टी पे जम करूं। चीमा साहब कह रहे हैं कि अगर ये अपना फाइल हो, अपना अगर ये फाइल उन्होंने कर दी अदम आगे तहरीक तो अच्छा, मैं एक सिचुएशन आपके साथ नहीं सकता। आप माशाल्लाह चूंकि इतने अरसा आपका जिंदगी गुजर गई सहाफत में, आप कह रहे हैं कि कौन ऐसी अहमकाना हरकत करेगा कि जी 8 महीने रह गए इलेक्शन में और वो पार्टी बदले और दूसरी तरफ चला जाए। लेकिन अगर उसको ये पता हो कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा और मेरी कोई वीडियो आ जाएगी तो फिर क्या हो? हाँ, वीडियो का और है और काफी लोगों की वीडियो जो है वो अपना चीमा साहब ने देखी और मैं भी, चीमा साहब नहीं अगर साहब ने देखी, मैं भी देखी है और आपने भी देखी होंगी। वो ठीक थी, वो जेन्युइन थी, वो बिल्कुल वही बंदा था, वही बंदे थे आप। अच्छा, आप खुद माशाल्लाह इतने अरसे मीडिया में है तो ये वीडियो का मामला और है। लेकिन आप देखे ना, अब वीडियो का वो रेलवेंस नहीं रही। मैं इशारा किसी और तरफ कर रहा था, वहां से भी गेम पड़ सकती है। वीडियो की अब रेलिवेंसी अब वो नहीं रही, क्योंकि देखे ना, अपना स्वाति साहब ने ओपन कर दिया, शहबाज गिल ने ओपन कर दिया, जो एयरवे के कराची के डीएन से उन्होंने ओपन कर दिया, तो क्या कर लेंगे यार? आप मेरे जिस्म देख के बेटा क्या कर लेंगे? वही चीजें आपके जो मेरी है, तो इससे अब चीजें बाहर आ गई। या ये पर्सनल की वीडियो आप सामने लेके आए तो उस पर जो लाने वाला वो गंदा होता है। और फिर मैं ये कहूंगा कि अगर अदम दिमाग की तहरीक आती है तो उसको ये ना समझे एम्बार्गो लग गया, दरवाजे बंद हो गए और कोई उसको ना असेंबली डिजॉल्व नहीं कर सकता। तो मेरी अभी बात में मुझे उन्होंने मैसेज किया है कि अगर वो ये करते हैं, अदम दिमाग की तहरीक फाइल करते हैं, तो हम उसको नाकाम करके फौरी तौर पर असेंबली डिजॉल्व कर देंगे अगर इमरान खान ने चाहा तो। तो ये ठीक है, यानी कि वो ये देखेंगे कि हमारे हाथ में ये गेम, तो फौरी तौर पे इजलास में उसको टेबल करेंगे और उस पर वोटिंग होगी और उसको फायर करके तो साथ ही असेंबली डिसॉल्व। पाकिस्तान में ये होता रहा है ना, पाकिस्तान की तारीख देखे ना, यानी कि टाइम ही नहीं देंगे पीडीएम को कि वो बंदे तोड़े या जोड़े, जिस पर आप पहले ही कह चुके हैं कि वो मुमकिन ही नहीं है। वो मुमकिन नहीं ना, आप देखना, अब असेंबली का इजलास होता है उसमें जो अपना हुकूमती अरकान की तादाद ज्यादा होती है, ये तो डिपेंड करता है चेयर पे। अब देखें, जब राजा साहब तो उन्होंने 9 के 10 11 सीटों ने इस्तीफे कबूल किए, किसने चैलेंज किया? वो चैलेंज हो नहीं सकता ना। और अजहर शरीफ साहब ने वैसे भी कहा है कि असेंबली का भी सेशन चल रहा है, तो अभी तो वैसे ही को आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते, जो रूलिंग उन्होंने दे दी तो वही फाइनल होगी। इसलिए अपना मैं तो इसमें मुझे यकीन है कि दोनों असेंबली डिसॉल्व होंगी और दोनों पर मैं इतफाक करता हूँ साहब की बात से, अगर दोनों असेंबली डिसॉल्व होगी तो वो 5 साल के लिए असेंबलियां आएंगी। ये इस्तीफे भी इसने का वैसे किसी ने शोशा छोड़ा है, इस्तीफे वो दोगे बलुचिस्तान से और सिंध से इस्तीफे देंगे, लेकिन इन दोनों सूबों में असेंबलियां डिसॉल्व होंगी और उस पर नए इलेक्शन होंगे, तो क्या ये चाहेंगे अब? ये ना, ये चले, मैं आखिर में क्विकली प्रोग्राम को क्लोज भी करना है, आपसे भी पूछता हूँ यही सवाल, फिर अजहर साहब से भी पूछता हूँ, आप कब इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं जनरल इलेक्शन? देखो, जो इतलात आ रही है, जो उनकी बैकडोर बातें हो रही है, मार्च अप्रैल तक इलेक्शन का सुना जा रहा है कि ये जो अपना दोनों तीनों फ्रीज राजी हो गए। अब देखें, अब वो अब वीडियो वाली बात उसको माइनस कर दें, अगर मार्च अप्रैल तक हो रहे हैं तो फिर खाम खाम में इस्तीफे दे रहे हैं लोग, नहीं देने चाहिए ना? कौन इस्तीफे दे रहा है? इस्तीफे को तो शोशा छोड़ा गया है ना। नहीं, मैं कहीं और किसी और के इस्तीफे की बात कर रहा था। इस्तीफे को नहीं दे रहा, असेंबली डिसॉल्व होंगी, असेंबली डिसॉल्व होने के बाद जो है वो जो भी आपकी नजर में मार्च अप्रैल, अजहर सदीक साहब कब होंगे जनरल इलेक्शंस? मैं तो अपनाली मुमताज, आपके साथ तो कई दफा बात हुई है, मैं तो पिछले मार्च से कह रहा हूं अप्रैल, और ये मैं जो देख रहा हूं इलेक्शन अप्रैल से जून के दौरान, क्योंकि उस वक्त आ गया होगा रमजान, रोजे हैं, अब सॉरी उसके बाद वो ईद है और मुहर्रम के दिन आने वाले हैं, तो उसके बाद अगर देखा जाए तो वो अप्रैल से जून के दौरान, ये इमरान खान साहब ने देखिए फिर एक मौका दिया है कि आराम से बैठकर सेटल करते, लेकिन ये किसी तरह से भी मानने वाले नहीं है। ये जो पीडीएम वाले आखिरी दिन तक लड़ाई लड़ेंगे और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को असेंबलियां तहलील करनी पड़ेंगी, तभी ये चीजें आगे, तब जाके चीजें आगे बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर सदीक साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया, कमल चीमा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, शफीक रहमान साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नासीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, इंशाल्लाह अपकमिंग फ्राइडे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत, अल्लाह नगेबान।